हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मैं भी अपने गांव में हूँ। और देखिए, कल जो 12 तारीख था, तो कल सोचे थे यहाँ पे धान को झाड़ने के लिए, तो क्या हुआ कि कल बहुत ज़्यादा तेज से बारिश होने लगी, तो कल तो नहीं झाड़ पाया। कल रात तक में भी हुआ था हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा, लेकिन दिन में, कल डे में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। देखिए पूरा अभी गीला है, अभी तक सूखा नहीं है। बट आज 13 तारीख है, तो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं आज के, तो आज तो धूप उगा है, मतलब धूप हुआ है बहुत तेज में है। और ये जब तक ये सूखता नहीं है, खरा नहीं, जब तक तो हम यहाँ पे धरनी झाड़ ही नहीं सकते हैं। तो उसी का वेट कर रहे हैं, सूखने का। सूख जाए तो फिर से स्टार्ट करेंगे। आज हो सकता है कुछ स्टार्ट करें, तो अगर सूख जाए तब। और मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये खेत है, तो यहाँ पे हम लोग लगाए थे इसमें सरसों का यानी मस्टर्ड का पौधा। तो इसमें भी बारिश हुई है, तो थोड़ा इससे फ़ायदा है। और भी आपको दिखाते हैं, वहाँ पे थोड़ा आगे मसूर का भी है, तो चलते हैं वहाँ पे, आपको आगे दिखाते हैं। तो फाइनली गाइस देखिए, ये जो खेत है, ये भी हमारा ही खेत है। इसमें सरसों लगा हुआ है, तिलहन के लिए मस्टर्ड का पौधा है। और इधर देखिए लोग, इधर ही घर में शौच के लिए बना हुआ है, तब पर भी इधर खेत में ही आकर कर देते हैं। हमारे साइड में ऐसा बहुत ज़्यादा है, देखने को मिलता है, और पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं। घर में रहते हुए भी सब लोग आके इधर कर देते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे जो है लगा हुआ है पौधा मस्टर्ड का। अभी देखिए कैसा हुआ है, बारिश हुआ है, तो इसको तो बारिश में ठीक है, फायदा है। इसमें दवा डलाया था, एक बार डाले थे। और अभी देखिए नीचे बथुआ वगैरह हो गया है, कुछ कुछ छोटा छोटा घास जो बहुत इसको फैलने में दिक्कत करता है। देखिए छोटा छोटा जो देख रहे हैं नीचे, घास है सब जंगली घास है, तो सब कवाड़ना पड़ेगा, मतलब एक दिन लगवा कर। और यही है पूरा, देखिए पूरा सब में फ्लावर हो गया है, फूल पे आ गया है। और आगे चलते ऊपर दिखाते हैं, यहाँ पे और भी है। और ये देखिए, ये है मसूरी का पौधा, जो कल बारिश हुई थी 12 तारीख को, आज तो 13 है, तो कल जो बारिश हुई थी उसमें जो बारिश हुआ, तो उसमें जो जितना भी मसूर का जो पौधा है, इसमें मसूर का पौधा है जो क्या है कि सबके लिए ख़राब है। मतलब बारिश होने से मसूर का पौधा होने ही नहीं देगा, यानी जल जाएगा। तो अभी देखिए क्या होता है, बारिश तो हुआ है कल, अभी तक तो कैसे गीला है पूरा खेत, देख रहे हैं जितना भी है, सब सब मसूर का ही पौधा है, देख रहे हैं पूरा। तो ज़रा ये खेत ही पूरा मसूर इसमें लगा हुआ है ओनली, और कुछ नहीं है। और देखिए अभी क्या होता है, ऐसे तो हानि है, क्योंकि बारिश हुई है तेज, तो उसके लिए हानि है। तो आगे फिर क्या होता है तो दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे भी लोग आकर सोच कर दिए हैं। और ये इधर भी है मसूर का पौधा है, जो कि इसमें भी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि जो बारिश हुई है, बारिश के कारण ये जो पौधा जो सूखने लगेगा, सूख के ख़त्म हो जाएगा सब। देखिए जहाँ तहाँ नहीं हुआ है, बस ये ऐसा ही है मसूर का पौधा, क्योंकि अभी जो बारिश हुई थी, बारिश अभी नहीं होना चाहिए था, तब ये इसके लिए ठीक था, मतलब होता। और अभी बारिश जो हो गई है बहुत ज़्यादा तेज, हल्का हल्का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है कल 12 तारीख को, तो इसी कारण थोड़ा प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या होता है आगे। तो फाइनली गाइस देखिए, ये हमारा जो है जो सरसों का पौधा है, जो कि यहाँ पर अपने खेत में आए हुए हैं, और दिखाने के लिए आपको कि देखिए अभी फूल तक आ गया है, जो फूल वगैरह हो गया है। और बारिश जो हुई कल, तो बारिश के कारण भी कुछ इसको फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इसको पटाना भी पड़ता है, तो पट गया है। और इधर इधर का जो पीछे जो मेरे मसूरी लगा हुआ है, मसूर का पौधा, इसमें तो बहुत हानि है, मतलब लगभग नहीं के बराबर ही होगा, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। क्योंकि ये जो बारिश हुआ है अभी के सीज़न में, तो इस समय बारिश जो होता है, तो इसमें क्या करता है, मसूर के पौधा को जला देता है। तो अभी देखिए क्या होता है, कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। और ये है पौधा, क्या बोलते हैं, सरसों का, तो सरसों के लिए ठीक है, और गेहूं जो भी लगाए हुए हैं, तो उनके लिए भी ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या होता है, बाकी यही था। तो हम अपना वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।